जी इसको विदाउट विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं थैंक यू मिस हसन अच्छा जी ये आपको स्क्रीन शो तो बताइएगा सबसे पहले जो है हम आ, कर रहे हैं जो लेडी कैडेट कोर्स है इसका हम जो है वो कर रहे हैं आ, जो आ, क्राइटेरिया है और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहले ये कि हमारे पास 28 नवंबर को 28 नवंबर से 18 दिसंबर तक लेडी कैडेट कोर्स की जो है वो रजिस्ट्रेशन और जिस किसी ने भी रजिस्ट्रेशन कर करनी होगी वो ये आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी डॉट जीओवी डॉट पी के इसके ऊपर जाए ठीक है मैं एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे लेडी कैडेट कोर्स आएगा यहाँ पर है कोर्स की डिटेल रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा तो उसके सामने एक पोर्टल आ जाएगा उसमें अपनी इंफॉर्मेशन दे सही अभी हम डिटेल डिस्कस करने और रजिस्ट्रेशन जो करेगा तो वो थोड़ा सा सीख की करेगा होपफुली उसको आती होगी अच्छा जो पहला टेस्ट है जिसको इनिशियल टेस्ट कहते हैं वो 21 दिसंबर से 28 दिसंबर यानी कि सात दिन के अंदर होंगे और ये 28 को मिला लें तो आठवें दिन के अंदर 21 को मिला लें तो आ, नौ दिन नौ दिन के अंदर अच्छा और फिर उसके बाद इसके लिए सिर्फ फीमेल जेंडर है ठीक है जो यहाँ पर बॉयज हैं वो अपनी बहनों के लिए या किसी और को गाइड करने के लिए जो है इस चीज को नोट कर लें बेशक अच्छा एज अट्ठाईस साल होनी चाहिए फर्स्ट मई 2023 तक अगर कोई बंदा अट्ठाईस साल पहले पैदा हुआ है मई से पहले प्लीज आप जो है आ, इसको म्यूट कर दें जो लोगों ने जिन्होंने इसको ओपन किया हुआ प्लीज म्यूट कर दें आयशा आई रिक्वेस्ट टू प्लीज म्यूट थैंक यू आयशा अच्छा सॉरी जी तो 28 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए यानी फर्स्ट मई अप्रैल तक आपकी एज जो है अगर अट्ठाईस साल पूरी भी हो रही है तब भी आप एलिजिबल है ठीक हो गया स्टेटस अनमेरिड होना चाहिए ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया क्योंकि अट्ठाईस तक तो नॉर्मली खातन शादी कर ही लेती हैं लेकिन पता नहीं इनका क्या रीजन था अच्छा जो हाइट है वो पांच फिट हो एक सौ बावन चार चार सेंटीमीटर ठीक है वन फिफ्टी टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर वेट जो है वो एज पर बॉडी मास इंडेक्स या आप इंटरनेट पे अगर सर्च करेंगे ठीक है तो आपको एक बॉडी मास इंडेक्स का जो है एक वो मिल जाएगा उसके अंदर आप अपनी हाइट डालते हैं अपना वेट डालते हैं अपनी एज डालते हैं तो वो आपको जो है उसके ऊपर बता देता है कि ठीक है जी आप एलिजिबल हैं या आप एलिजिबल नहीं है मतलब आपका वेट ठीक है कम है ज्यादा है वो तीनों चीजें आपको बता देता है अच्छा फिर उसके बाद आ जाता है अः अगर मुझे किसी ने बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर कोई मैं किसी को कुछ करके दिखा दूं खोल के दिखा दूं ठीक है जिनकी डिवोर्स जी बेटा मतलब मैरिट तो है ना क्या कहते हैं इसके ऊपर चेक करना पड़ेगा मैं आयशा इसके ऊपर ना चेक कर लेंगे हम लोग ठीक है कि डायवोर्स वाले कर सकते हैं कि नहीं आपका अच्छा क्वेश्चन था मैं चेक करके आपको बता दूंगा बट प्लीज मुझे याद दिला दीजिएगा अच्छा जो विजन है वो एज पर पी ए ओ पी ए ग्यारह बठाठ बयासी इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा ठीक है कि विजन आपकी आंखें कितनी होनी चाहिए पाकिस्तानी हो आजाद कश्मीर के हों बाकी पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी हो ठीक है एक आपको बॉन्ड भरना होगा सात साल का अगर आप हो जाते हैं सिलेक्ट और ट्रेनिंग ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो सात साल तो आपने लाजमी जॉब करनी ही है उसके बाद जो है आप छोड़ सकते हैं अच्छा जैसे ही अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो शुरू के अंदर आपको छह महीने की ट्रेनिंग दी जाती है जिसको कहते हैं बीएमटी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग वो पी में होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप खुद पढ़ लीजिएगा रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमनी सिलेक्शन प्रोसीजर अच्छा प्रोसीजर के अंदर आ जाए इंटरनेट और बाय विजिटिंग आर्मी में भी कंप्यूटर पड़ा होगा वहाँ पर जाकर आपने जो है ना, अपने registration करनी है ना करनी और डायरेक्टली भी आपने जो है घर से भी बैठकर आपने जो ये वेबसाइट मैंने बताई है वहां से जाकर रजिस्ट्रेशन करनी है ठीक है रजिस्ट्रेशन का ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है प्रोसेस लिखा हुआ है उसके बाद एक टेस्ट होगा आपका टेस्ट के बाद अगर आपने टेस्ट है उसके अंदर क्या आएगा प्रोफेशनल रिटर्न इंटेलिजेंस टेस्ट ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी कंडक्टेड आर्मी सिलेक्शन सेंटर आर्मी सिलेक्शन सेंटर आपको जाना होगा ठीक है वहां पर आपका टेस्ट होगा अच्छा उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि जी मेरा तीन तारीख को पेपर है तो तीन तारीख को मेरा टेस्ट भी आ गया मैं क्या करूं या मैं टेस्ट जो है शाम में देने चला जाऊं या चली जाऊं या मैं सुबह देने चली जाऊं ठीक है तो भाई जो टाइम है पहले तो उसको ढेर करें लेकिन कोई इस तरह की कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ गई है कि आपका कोई और टेस्ट भी मौजूद है ठीक है तो फिर उसके लिए आप बेहतर है कि आर्मी सिलेक्शन सेंटर जिसका नंबर आप इंटरनेट पे लिखेंगे तो आ जाएगा जैसे रावलपिंडी सिलेक्शन सेंटर लाहौर सिलेक्शन सेंटर तो उसका नंबर आ जाएगा तो वहां कॉल करके पता कर लें कि आपकी चीज हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी ठीक है फिर है प्री मनली टेस्ट मेडिकल टेस्ट ये एक मेडिकल टेस्ट होता है इस पे मेरा ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड है उसको आप देख लीजिएगा टेस्ट किस तरीके से होता है उसमें आपने क्या क्या चीजें करके जानी है किस तरीके से साफ सुथरा होकर जाना है वो पूरा एक लेक्चर मेरा मौजूद है फिर आ जाता है फिजिकल टेस्ट फिजिकल टेस्ट जो है 1.6 किलोमीटर यानी एक मील बनता है चौदह मिनट के अंदर आपने भागना होगा इसकी भी पूरी की पूरी मैंने एक रिकॉर्ड करवाया हुआ लेक्चर वो आप जाकर देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा उसके बाद आप जाते हैं आई के अंदर आई को हम नेक्स्ट फेज के अंदर त, वो जो है इसी इसी, इसी सेशन से, 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 में हम डिस्कस करेंगे लेकिन इससे पहले मैं जो है नेवी कमीशन का बता दूं ठीक है आईएसएसबी क्योंकि पूरे चार दिन का प्रोसेस है तो इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करने में टाइम लगेगा अच्छा फिर उसके बाद है आप आईएसएसबी चले गए ISSB से आप रिकमेंड होते हैं तो फिर आपका एक डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा सही है उसके बाद आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट ठीक है मेरिट लिस्ट के अंदर होता ही है कि आपके कुछ एकेडमिक के नंबर होते हैं कुछ आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस होती है कुछ आई होती है ठीक है उसके बाद आपकी मेरिट बनती है तो इसलिए कॉम्पिटिशन का एग्जाम है अगर किसी बंदे ने नाइनटी नंबर लिए हैं लेकिन उससे ऊपर वाला जो है उसने नाइनटी नंबर ले लिए तो वो सिलेक्ट हो जाएगी या हो जाएगा आप सिलेक्ट नहीं होंगे तो ये कॉम्पिटिशन है हो सकता है कि जिनके नंबर आपने भी दस नंबर लिए और जो है सीट एक ही थी सौ बंदे टेस्ट दे रहे थे सौ बंदों ने सारों ने जो है नौ नो नंबर लिए तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे लेकिन ऑन अदर वे सौ बंदे हैं एक ही सीट है निन्यानवे बंदों ने निन्यानवे नंबर लिए और आपने निन्यानवे एक नंबर लिया तो निन्यानवे नंबर लेने वाले फेल हो जाएंगे ठीक है और आप फेल नहीं नॉट रिकमेंड हो जाएंगे और आप हो جائیں, हो जाएंगे, जाएंगे, ठीक है, इसलिए तैयारी इसकी बिल्कुल जान तोड़ के करनी है ठीक है आपको एक चीज का पता हो जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिटेल मार्कशीट कैंडिडेट सर्विंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी कर रहा है तो उसके एक नो ऑब्जेक्शन लेटर होता है टेस्टेड फोटो ऑफ डोमिसाइल होती है फोटोग्राफ होते हैं कलर फोटोग्राफ होते हैं क्रॉस पोस्टल चेक पोस्ट ऑर्डर ऑफ हजार सौ रुपए ये बैंक से बनता है बैंक से आप बना लीजिएगा सौ रुपए का ठीक है और किसी को पैसे नहीं दीजिएगा प्लीज मुझ समेत किसी को पैसे नहीं दीजिएगा मैं मेरी तो खाल अहमद सर्विसेज फ्री है मुझे अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है लेकिन आप लोग किसी भी काम के लिए किसी को कोई पैसे नहीं दीजिएगा सिवाय इस सौ रुपए के ठीक है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग दियर डिग्री ड्यू ली और जो क्योंकि आपने एम एस सी एम ए किया हुआ तो आपकी एच एस सी से या पीई सी से जो इंजीनियर है वो पीई सी से आपकी वेरीफाइड डिग्री होगी अच्छा इंडोर्स में Center, इसके अंदर वही होगा की आपकी आस्ट टू बी इंडोर्स इन रिस्पेक्टिव पैराग्राफ वो सारी चीजें आपको लिख के देनी होंगी इसके इसका जो है ना, वो बहुत आखिर प्रोसेस है अच्छा वो पुराने वाला शिनाती कार्ड कोई ना लेके जाए सी एन आई सी एक है एन आई सी ठीक है ये उसका एग्जाम भी आ सकता है कि एन आई सी और सी एन आई सी के अंदर आप फर्क बताओ एन आई सी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और सी एन आई सी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड तो अब एन आई सी ऑप्सलीट हो गए वो किसी भी जगह पे नहीं चलते हैं मत लेके जाइएगा मुंह पे मार के वापस भेज देंगे अच्छा अब आ जाते हैं एजुकेशन का क्राइटेरिया एज सबको समझ आ गई यस मैं आपकी तरफ से यस कर रहा हूँ एक मिनट चार क्वेश्चन है शायद आ, 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अच्छा जी सर मेरी एज अठारह के करीब है मैं कर सकती हूँ नहीं आप अभी हाँ कर सकती हैं कर सकती हैं मिनिमम एज नहीं लिखी हुई अच्छा ये अंश मिस हसन मैं कह देता हूँ मिस हसन आप कर सकती हैं ठीक है और अगर आपने एम कर लिया है अठारह की एज में अगर आपने एम कर लिया तो दैट इज एन अचीवमेंट सर फीमेल इनिशियल मेडिकल के बारे में भी बता दें ठीक है मैं ये भी बता देता हूँ आपको अनम आपको मैं बता देता हूँ अगर सिंपल इस्लामिक सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन किया हो तो क्या एलिजिबल है वो मैं आपको आयशा में आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ वो अंश अगर वो आप जाएंगी मिस हसन आप अगर जाएंगी तो आपका फॉर्म बे चल जाएगा ये अंशा अंश अन्श, मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा तो इसलिए ठीक है ठीक है। तो मैं जो है वो उसमें ए, एजुकेशन पे भी हम जाते हैं, आपका तो तक चल जाएगा लेकिन मैं कि आपने से पहले -पहले एजुकेशन कर लिया इफ यू अच्छा जब आ जाते हैं एजुकेशन के ऊपर इसमें वो कह रहे हैं कि जी एम एस एम एस सी की हो अपने कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट के अंदर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या एमएसएससी आपकी हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर दूसरे ये ये जाएंगे सर्विसेज कोर के अंदर सप्लाई कोर है आर्मी को कोर फिर दूसरी है इंजीनियर कोर इसके अंदर आपने बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या एमएस किया हो जी और आर एस के अंदर बी एम एस किया हो एनवायरमेंटल इंजीनियर के अंदर एम एस या बी की हो सिविल इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अच्छा जी देन उसके बाद आपका जो सिग्नल की कोर है जो कम्युनिकेशन के अंदर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेट हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले हो इफॉर्मेशन सिक्योरिटी बी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फिर आज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर चाहिए सब खुत चाहिए मेकाट्रॉनिक्स का लोग होते हैं मेकेटिक्स इज एलिजिबल सही है सिग्नल फिर जो है सिग्नल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बी एस या बी आपने किया हो सिस्टम इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन इन इन्फॉर्मेटिक साइबर सिक्योरिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर ये आपने किया हो फिर है क्रोप्स ऑफ ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस के अंदर अगर आपने जाना है तो आपने एम किया हो एमएससी की हो नहीं सॉरी जो ऑर्डिनेंस क्रोप्स है उसके अंदर आपने बी किया हो बी की हो एम MS, एस की हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये लोग जा सकते हैं ठीक है अच्छा फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑर्डिनेंस uh, में बी एस बी ई एम एस सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये ये हो तो जा सकते हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बीएस किस में किया हो लिखा नहीं है बी किस में हो लिखा नहीं है एमएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये जा सकता है बी तो पता है इंजीनियर लेकिन कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है तो बी एस भी सिक्सटीन ईयर ऑफ एजुकेशन है तो ये लोग फिर सारों को जिस जिसने बी एस किया है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं स्कोर के अंदर क्योंकि ये पर्टिकुलरली कोई लिखा हुआ नहीं है फिर अगर आपने एम ए किया एम एस सी किया बी एस किया हुआ फोर ईयर ठीक है यानी कि सिक्सटीन ईयर ऑफ एजुकेशन मीडिया साइंस में किया है जर्नलिज्म में किया है आई आर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में किया है तो आप इसके अंदर जो हमारी है इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन जो है उसके अंदर आप लोग जा सकते हैं ठीक हो गया अच्छा जी अब मुझे ये बता दें यहाँ तक फिलहाल किसी बंदे का कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें सो दैट आई कुड मूव फॉरवर्ड आप हाथ खड़ा कर सकते हो आप लिख के बता सकते हो आप अपना माइक खोल के बता सकते हो आयशा पी एफ का अभी फिलहाल आया नहीं है ये क्योंकि हर जो एड आता है उस एड के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो सीट खाली जितनी होती है उस हिसाब से वो सारी चीजें हो रही होती हैं ठीक है कौन कौन मैसेज कर रहा है नो वन नॉट फ्री ठीक है अच्छा उस हिसाब से सारी चीजें हो रही होती हैं ठीक है और उसके बाद जो है अगर क्या कहते हैं अपना अगर उसके अंदर ये आ गया एजुकेशन कोर के अंदर तो आपका जरूर हो जाएगा अच्छा उजाला इकबाल मिस उजाला मिस उजाला बीबीए वालों की कोई जगह है मैंने अभी ज्वाइन किया है सर बीबीए के लिए उन्होंने ये लिखा हुआ है कि एम एस या एमएस सप्लाई चेन आपका सिक्सटीन ईयर ऑफ एजुकेशन है अगर आप पर्टिकुलरली सप्लाई चेन के अंदर हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हैं तो आप इक्वेलेंसी लेकर अप्लाई कर सकती हैं आपको इक्वेलेंसी को एक लेनी होगी क्योंकि जो बीबीए होता है ठीक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बट इट इज इन कॉन्ट्रैक्टिंग प्रिक्योरमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सप्लाई चेन तो फिर आप जो है आ, मेरी आवाज सही आ रही बिकॉज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कनेक्शन लूज हुआ था इंटरनेट का ठीक है तो आप इसके अंदर कर सकती हैं आपको एक इक्वलेंसी एक, बनानी होती है ठीक है उसके मुताबिक आप इसको कर सकते हैं लेकिन वो इक्वेलेंसी का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है आप इसको सिंपली सा सिलेक्ट करें एजुके जो रजिस्ट्रेशन वाला उसके ऊपर जाए बताएं अगर आप सप्लाई चेन और इन सारों में आपका है तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्लियर होगी एज क्लियर हो गई आपको टेस्ट का पूरा प्रोसीजर क्लियर हो गया टेस्ट क्या होता है सारी चीजें आपको एल की क्लियर हो गई ऐसा ही है लेडी कैडेट कोर्स सही है सही आवाज आ रही है थैंक यू सो मच तो अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट ऑप्शन पे चला जाऊं यहां बैठा रहूं चला ही जाता हूं ठीक है ओके नेक्स्ट ऑप्शन आ गया जी हमारे पास पाकिस्तान नेवी ठीक है अच्छा जी नेवी नेवी के अंदर आ जाते हैं वो कह रहे हैं ज्वाइन एस एज एम कैडेट पीएम कैडेट सेलर भाई कर लेंगे पहले बताओ कहां से करना है अच्छा जी वो कह रहे हैं एस से व्यू एड ये इसी तरह ज्वाइन पार्क नेवी इसके आप उसमें जाएंगे ना क्या कहते हैं आ, आ, क्या कहते हैं वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास ये चीजें आ जाएंगी हम ऐड नहीं देख रहे जाएगा रहेगा अच्छा जी एक मिनट कुछ गलती हो नहीं जा रहा एक मिनट एक मिनट में दोबारा खोल रहा अच्छा जी ये आ गया शॉर्ट सर्विस कमीशन हमने इसको ओपन कर लिया

सिर्फ मेल हजरात बॉयस उनके लिए ऑपरेशंस में आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन एफएससी होनी चाहिए सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ और ग्रेजुएशन यानी सोलह से साल ऑफ एजुकेशन जो है इससे ऊपर वो होनी चाहिए सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ ठीक है एज छब्बीस साल से कम हो और भाई बी है यानी कि वो ये कहेंगे कि अगर छब्बीस साल वाले तीन आ गए और दो सीट्स हुई और दो चौबीस साल वाले आ गए तो छब्बीस साल वालों को नहीं रखेंगे हम चौबीस साल वालों को रखेंगे ठीक है फिर आ जाता है एविएशन इसके अंदर एफ एस सी हो पैंसठ परसेंट मार्क्स के साथ और सिक्सटी ईयर ऑफ एजुकेशन हो आपकी मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स uh, और फिजिक्स के अंदर ठीक है और वही साठ परसेंट मार्क्स के साथ एज का वही क्राइटेरिया है कि चौबीस छब्बीस ठीक है और इसका जो लगेगा आपको रैंक लगेगा वो मिलेगा आपको आ, सब लेफ्टिनेंट ये एजी का पता नहीं क्या मतलब है भाई से पूछूंगा तो सब लेफ्टिनेंट का आपको रैंक मिल जाएगा अच्छा जी एम्पलीफाइंग इंस्ट्रक्शन प्रिफर बी गिवन टू देंडिडेट विद एविएशन बैकग्राउंड अच्छा ठीक है कोई बंदा अगर ऑलरेडी जहाज जहाजबाद उड़ाता रहा है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी ये कोई पूछ रहा है ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आशा इसके अंदर कोई पर्टिकुलर नहीं लिखा लेकिन वो जो भी कोई वो, कोई किसी भी सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना बहुत लाजमी है अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बगैर कोई चीज होगी तो फिर कोई फायदा नहीं है मतलब आपने भी अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के साथ पढ़ी है तो एलिजिबल है अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है ठीक है तो इसका जो मेन क्राइटेरिया दैट इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट वो है एविएशन के अंदर ठीक है मरीन के अंदर ये चीज थोड़ी सी कम है मरीन में मैं दिखा देता हूँ कि मरीन में सिक्सटी अबोव विद एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट मार्क्स अच्छा जो अगर आप एविएशन में जा रहे हैं वो जो जहाजबाज उड़ाते हैं तो आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स लाजमी हो वेर आपने एस एस जी या मरीन के अंदर जाना है तो फिर आपकी जो है ना जो एफ एस सी है वो उसमें फिजिक्स और मैथ हो बाकी ग्रेजुएशन फिर किसी भी सब्जेक्ट में हो गॉट नंबर पॉइंट नेक्स्ट पे चलू नेक्स्ट आ गया मैकेनिकल इंजीनियर ये भी सिर्फ मेल के लिए है ये बी ए की हो बी एस किया हो इसकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा अट्ठाईस साल एज तक हो सकता है मैकेनिकल मैकेटिक एविएशन तीनों में हो सकता है फिर आगे सप्लाई बीबीए वाले आ जाए जी आगे आगे बीबीए वाले पूछ रहे थे कि कहाँ जाए हम लोग तो। सप्लाई वाले लेकिन ये है सिर्फ मेल आ, वो उसने पूछा था आई थिंक मिस इकबाल ने पूछा था मिस सुजाला इकबाल आई थिंक चलो जो भी था तो बीबीए ऑनर्स किया हो एम कॉम किया हो एमएससी इकोनॉमिक्स की हो इकोनॉमिक्स वाले प्राइवेट इकोनॉमिक्स बहुत हो जाता है बीकॉम किया हो मिनिमम ईयर ऑफ एजुकेशन अगर आपकी हो ठीक है तो आप सप्लाई के अंदर जा सकते हैं और एज छब्बीस साल से आपकी कम होनी चाहिए चौबीस साल के मेल को प्रिफरेंस दी जाएगी बट ये मेल वाले हैं फिर है वेपन इंजीनियरिंग सरफेस के ऊपर और एविएशन उसमें वही बी आपका किया हो ये थोड़ा सा खुद पढ़ लें क्योंकि जिसने बी ए की बी ई किया होगा वो इतना तो पढ़ा लिखा होगा फिर ऑर्डिनेंस में भी सिर्फ मेल चाहिए उसके अंदर बी बी एस ये सारे आप पढ़ लें फिर जी डी इसमें भी मेल चाहिए ये डॉक्टर आ जाते हैं फिर ये डॉक्टरों का है मेल जनरल एनिस इसमें फीमेल चाहिए और ये कार्डियोलॉजी मेल चाहिए गायनाकोलॉजी फीमेल चाहिए जनरल मेडिकल मेल चाहिए ये फिर नीचे डॉक्टर्स का शुरू हो जाता है सारा यानी डिफरेंट टाइप की चीजें हैं क्रिटिकल केयर इमरजेंसी ये फिर सारा जो है ना तो इसके लिए इस इस पैराग्राफ में खातिन के लिए कोई इतना खास चाम नहीं है जनरल सर्जरी ये फिर सारे डॉक्टर्स की हैं अच्छा हाँ, हाँ, हाँ एक मिनट एक मिनट प्लास्टिक सर्जन इसके बाद वो कह रहे हैं इंग्लिश मेल जिन्होंने एम एस या एम किया हुआ है एटीन ईयर एजुकेशन है फर्स्ट डिविजन में वो जो है कर सकते हैं वो इसके अंदर जा सकते हैं एज उनकी अगर इकतीस साल से कम है तो उनको डायरेक्टली आर्मी के कैप्टन और नेवी के लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा ठीक है इंग्लिश फिजिक्स का कोई बंदा पढ़ा हुआ है मेल है इसके अंदर भी वो अप्लाई कर सकता है मैथ मेल अप्लाई कर सकता है पाकिस्तान स्टडी मेल्स अप्लाई कर सकते हैं आईटी कंप्यूटर साइंसेज साइबर सिक्योरिटी मेल अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट साइंसेज मेल अप्लाई कर सकते हैं केमेस्ट्री मेल नेवल लॉ मेल स्पेशल आईटी मेल स्पेशल पी आर मेल स्पेशल ये सिर्फ स्पेशल है और ये है मेल फीमेल दोनों इसमें फीमेल भी हैं बी एस सी एम एस सी मैथामेटिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स मिनिमम सिक्सटीन ईयर ऑफ एजुकेशन हैविंग स्टडीड नंबर थ्योरी एंड क्रिप्टो रिलेटेड सब्जेक्ट ठीक हो गया जी इसमें तीन जी पी से कम वाले ना अप्लाई करें और मिनिमम दो साल एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ नंबर थ्योरी ठीक है इसकी एज पैंतीस साल तक है आपकी पैंतीस साल के अंदर अंदर आप कर सकते हो इसमें फीमेल के लिए है कुछ फिर आ जाता है आ, यही बी एस सी बी ई एम एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो आईटी की हो सी एस यानी कंप्यूटर साइंस की हो एस से पता नहीं क्या बनता है वो की हो मिनिमम सोलह साल एजुकेशन हो और तीन जी हो मिनिमम और तीन साल का एक्सपीरियंस हो प्रोग्रामिंग इन सी सी प्लस सी शार्प VB, Java, IUS, ब्ला ब्ला ब्ला. 35 साल की एज से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं तो पॉलिसी के मुताबिक आपको रैंक मिलेगा तो यहाँ फीमेल के लिए है है फिर साइकोलॉजिस्ट बी एस साइकोलॉजी किसी ने किया है तीन जीपी के साथ मेल फीमेल दोनों और एज सत्ताइस से कम है तो दे कैन अप्लाई हाउ टू अप्लाई सिंपली जाए उसपे वेबसाइट पे ऑनलाइन वेब आप भरें फॉर्म भरें उसके बाद सिलेक्शन मेल फीमेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इंटेलिजेंस टेस्ट होगा अकेडमिक टेस्ट होगा ये लोग कम होते जा रहे हैं सही है तो मैं बोर करना शुरू हो गया ठीक है उसके बाद है प्रीमरी मेडिकल होगा पीटी और इंटरव्यू होगा फिर बाकी ये पूरी डिटेल आपको पड़ेगी इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा अच्छा जी अब मैं चलता हूँ द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज ए एफ़ एन एस मैं इसको एक मिनट आपको ए एफ एन एस का बता देता हूँ जी होप ये आपको नज़र आ रहा होगा मैं एफ का पहले भी एक लेक्चर दे चुका हूँ और अभी फिर दोबारा एक दे रहा हूँ और ये मैं बहुत क्विकली सा दूंगा इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला अच्छा जी सिलेक्शन आपने ये जो है मैं आपको ये भेज भी दूंगा अच्छा जी अच्छा अप्लाई करने के बाद आपका जो है इनिशियल टेस्ट होगा मेडिकल होगा उसके बाद जो है एक दो माह के अंदर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी और फिर उसके बाद इंटरव्यू होना शुरू हो जाएंगे फिर उसके बाद फाइनल एक मेरिट बनेगा और सेलेक्ट वन को जो है फैब दो हजार तक जो है उनको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे अच्छा यहाँ पे सिर्फ आप अपनी मेहनत करते रहें देन उसके बाद ये एक रिजवान नूर साहब उन्होंने लिखा है तो मैं यही आपको पढ़ के सुना रहा ठीक है थैंक्स टू हिम उनका के एफ का पेज भी है फेसबुक पे आप वो लाइक कर सकते हैं अच्छा फिर उसके बाद आ गया यहाँ तक आपका काम मेहनत करना है फिर सिलेक्शन के बाद आप जहाँ होंगी सिलेक्शन के बाद वहां रोज आपको यूनिफॉर्म पहनना होगा क्लासेस होंगी आपकी रोज शाम को फिजिकल एक्सरसाइज होगी चार साल आप वहां पे रहेंगी आपका खाना पीना वहीं पर ही होगा आपको तनख्वाह मिलेगी तीन टाइम खाना होगा आपके सीनियर्स आपको ट्रेन करेंगे आपके रूम के सफाई वाशरूम साफ आपका स्टाफ करेगा आप ऑफिसर वाली लाइफ वहां पे गुजारेंगे फिर ये है कि चार साल में आपकी रिहायश खाना पीना सब आर्मी का होगा तकरीबन चौबीस से तीस हजार रुपए तक आपको मंथली सैलरी भी मिलेगी जो कि आपके खर्चे के लिए काफी होगी फिर आप अकेली नहीं होंगी बहुत सारी लड़कियां होंगी फौज के अंदर अच्छा और बहुत सारी होंगी तो इसलिए आपको किसी किस्म का डर या किसी मेल से या कोई हरासमेंट का कोई खतरा नहीं है फिर उसके बाद चार साल के बाद आप जो है छह वीक के लिए बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करेंगी ठीक है और देन उसके बाद जो है आप प्रॉपरली खुद को दस साल का एक बॉन्ड भर के आर्मी का हिस्सा बन जाएंगी वहां पर आपको जो है डिफरेंट हॉस्पिटल के अंदर वार्ड इंचार्ज बना दिया जाएगा आपके रैंक में आप लेफ्टिनेंट रहेंगी पहला रैंक लेफ्टिनेंट का लगेगा जो कि तकरीबन ढाई साल तक लगा रहेगा फिर पांच साल तक आप कैप्टन रहेंगी फिर नौ साल तक आप मेजर रहेंगी फिर उसके बाद छह साल तक आप लेफ्टिनेंट कर्नल रहेंगी उसके बाद आपकी जो है वो किस्मत हिस्से के ऊपर जाते हैं या नहीं जाते ठीक है।, है तो ये है जॉब स्टार्ट होती है आपकी सैलरी पैंसठ से यानी कि तकरीबन पिचहत्तर अभी तो काफी बढ़ गई है तो एक लाख से भी ऊपर हो सकती है सैलरीज होंगी ठीक है और बस इसमें इतना ज्यादा डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है आपका एफ एन एस का जो क्राइटेरिया है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ वो है जी मैं FNS का क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ या जी, ये है जी नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ और नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। नीचे जाओ। जी इसके अंदर आपने क्या करना है कि एफ स में एफ एन एस में जाने के लिए आपके पास यहाँ तो बी एस सी नर्सिंग होनी चाहिए और पच्चीस साल तक एज होनी चाहिए या फिर आपने जो है आ, क्या कहते हैं मीटिंग नौ मिनट में खत्म हो जाएगी तो जिसने अगर मजीद सुनना हो तो दोबारा रिज्वाइन कर ले ठीक है नर्सिंग डिप्लोमा मिडवाइफ्री ये आपने किया हो तो आपके अट्ठाईस साल तक भी एज हो सकती है और इसके अलावा जो है आपने एफएससी प्री मेडिकल की हो पचास परसेंट मार्क्स के साथ ठीक है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते यानी कि दो क्राइटेरिया है पहला ये है किस बी एस नर्सिंग फीमेल के लिए आपने मैट्रिक साठ परसेंट नंबर के अंदर पचास परसेंट नंबर के साथ की हो सत्रह और पच्चीस की जो है उसमें एज आपकी चलेगी सत्रह से छोटी नहीं होनी चाहिए पच्चीस से बड़ी नहीं होनी चाहिए ट्रेन नर्स लेफ्टिनेट फीमेल नर्सिंग डिप्लो, डिप्लोमा हो अगर आप पहले से ऑलरेडी नर्स हैं तो अट्ठाईस का आपकी जो चार साल का नर्सिंग का प्रोग्राम होता है वो आपने किया हुआ है तो अट्ठाईस की आपकी एज हो अठारह से अट्ठाईस साल तक तो आपको ले लेंगे ठीक हो गया एफ ए एफ एन एस का ये फिर बाकी आप जो है ना इसी जगह पर जाकर दोबारा पढ़ लीजिएगा और बताएं सर एफ एन एस कब अनाउंस होंगे ये कहते हैं दिसंबर में अनाउंस होते हैं पता नहीं मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता वो तो मैं चेक करके बताऊंगा किस सब्जेक्ट में कि, आयशा कौन सा ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में हो मैं सारों के सब्जेक्ट बताता रहू आपका सवाल क्लियर नहीं है ठीक हो गया ए एफ एन एस हो गया अब हम आ जाते हैं आई एस एस बी अच्छा जी प्रोसीजर जो है यहाँ पर कोई खास लिखा हुआ नहीं है लेकिन यह कि पांच दिन आप वहाँ पर रहते हैं ठीक है अः उसके बाद जो है पाँच दिन में पहले दिन तो आप जब पहुँचते हैं आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है डिफरेंट किस्म के फॉर्म भरे जाते हैं वो आप करते हैं देन उसके बाद जो है आपकी अः दूसरे दिन से फिर जो है कुछ थोड़े से और आपके जो है इनिशियल वो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं स्टोरीज वगैरह लिखवाई जाती हैं फिर आपके जो हैं वो होते हैं क्या कहते हैं अपना जो ग्रुप टास्क हैं वो होते हैं कैमरा ऑन ऑन हो ग्रुप टास्क आपके होते हैं ठीक है ग्रुप टास्क टास्क होते हैं, टास्क होते हैं हैं फिर इंडिविजुअल तो इस तरीके से करके आपका जो है ये आई एस एस भी हो जाता है इसकी एक पूरी बुक है अभी क्योंकि टाइम खत्म हो गया तो वो पूरी बुक है वो मैं शेयर कर दूंगा तो उसको देख लीजिएगा अगर किसी को कोई इशू हो और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ ले आज हमने एल नेवी का कमीशन ठीक है और जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमने पूरी तरह जो है डिस्कस कर लिए और आई का थोड़ा सा एफएनएस की हाइट जो है एक मिनट बताता हूँ अनम फातमा बताता हूँ तो आज ये हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिए अब इसके बारे में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई वो मुझे पूछ सकता है जी इसकी जो हाइट है पांच फिट तक अगर हो आपकी हाइट अनम तो यू कैन डू इट पांच फिट ठीक है यानी कि वन फिफ्टी टू या फिफ्टी थ्री सेंटीमीटर ठीक है फिफ्टी थ्री सेंटीमीटर आप कर लें वन फिफ्टी थ्री सेंटीमीटर आप कर लें तो यू कैन डू दिट डू इट ठीक है और किसी का कोई क्वेश्चन है एनी वन चले फिर इसको अभी डन करते हैं और ताकि मुझे कुछ और ईमेल्स भी आएंगे तो मैं उनका जवाब दे लूँ सर इनिशियल मेडिकल टेस्ट हाँ इनिशियल मेडिकल टेस्ट अच्छा यहाँ पर है एस डी ठीक है भाई इनिशियल मेडिकल टेस्ट के अंदर होता ये है कि आपने प्रॉपरली साफ़ सुथरे कपड़े पहन के साफ सुथरे होकर अपने कान साफ करके नाक साफ करके अपने जो है जो है वो क्या कहते हैं प्रॉपरली सही तरीके से आपके बाल बने हों और सारी चीज़ों की बिल्कुल साफ सुथरे करके बॉडी जो वो क्या कहते हैं परफ्यूम होता है या बॉडी जो भी उसको कहते हैं करके प्रॉपरली आपने वहां पहुंच जाना है वहां पर एक डॉक्टर होंगी वो आपके अंदर क्या क्या चीजें देखेंगी उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है लेकिन मैं आपको वहां पर मेडिकल पे जाने से पहले बता सकता हूँ कि अपने आप को जितना साफ सुथरा करके पसीने की बदबू नहीं आनी चाहिए कपड़े अगर आपको कोई बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो कपड़े इस तरह के हों कि जो आपकी स्वेटिंग को एब्जॉर्व करें ठीक है आपने प्रॉपर अच्छी वाली खुशबू लगाई हो बहुत ज़्यादा ना लगाई हो ठीक है आमपिट में इधर उधर कोई फालतू के बाल कोई फालतू का मैल के कान के अंदर मैल कोई पाँव की एड़ियों एड़ियों के, के अंदर मैल कोई नाखनों के अंदर मैल ये चीजें नहीं होनी चाहिए प्रॉपर सही तरीके से हर चीज़ बनी हुई हो आपकी ठीक है आप जाए और वहां पर जो डॉक्टर होंगी वो यकीन लेडी डॉक्टर होंगी तो वो आपके कान चेक करेंगी या आपकी जो है Uh, क्या कहते हैं आई साइड चेक करेंगी आपके पाओं के अंदर जो कर्व होता है उसको चेक करेंगी आपकी नी नॉकिंग तो नहीं होती वो चेक करेंगी और इसके अलावा क्या क्या है? मेडिकल के अंदर चेक हो सकता है मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो ये सारी चीजें वो आपके अंदर चेक करेंगे एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आप अगर अपनी तरफ से बिल्कुल वेल well प्रिपेयर साफ सुथरे होकर जाएंगे तो फिर जो है इनशाला उम्मीद है कि मेडिकल तो नॉर्मली हो जाएगा ठीक है और इसी तरीके से फिर जो फिजिकल टेस्ट है उसकी पहले से आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें सही है और फिजिकल टेस्ट वाले दिन फिजिकल का एक अलग से मैंने लेक्चर दिया हुआ तो उसके ऊपर ये और मेडिकल का फिजिकल का अलग से एक लेक्चर मौजूद है आप उसको सुन लें क्योंकि उसमें डिटेल से चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं ठीक है तो बस उसको आप सुन लीजिए इन दोनों में आपने फिजिकल के अंदर तो आपने प्रैक्टिस करनी है लेकिन मेडिकल टेस्ट जो है वो आपकी जो फिजिक्स है वही है बस आपने साफ सुथरे होकर जाना है कोई बंदा आपके किसी को आपके अंदर से बदबू नहीं आनी चाहिए ठीक है क्योंकि आप ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं तो ऑफिसर जो है वो पर्सनल हाइजीन बॉडी ऑर्डर इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है ठीक है अगर इन चीजों का वो ख्याल नहीं रखेगा तो फिर उसको वही कहेंगे कि यार ये बंदा बैठने के काबिल नहीं है तो इन सारी चीजों का आपने अपने एक एक बॉडी पार्ट को सही तरीके से चमका के साफ सुथरा करके एड़िया नाखून नाक कान फालतू बाल बालों के अंदर अगर वो आपके खुशकी सिकरी या कोई जुए शुए हैं तो वो सारी चीजों को साफ करके एंटीलाइस शैम्पू वो है फालतू के आपके जो है वो ब्लैक हेड्स और इस तरह की चीजें हैं यानी कि उनको लगे कि यार ये बंदा या बंदी अप टू डेटेड है और ये शी कैन शी और ही कैन बी एन ऑफसर सही मतलब ये ना हो कि वहां पर आप गंदे पसीने वाले बदबू वाले उठकर चले जाएं और डॉक्टर का हाथ लगाने का दिल ना कर रहा हो आपको ठीक है और वो आपको थोड़ी देर में कह देगा या कह देगी कि भाई मतलब इस बंदे की क्या मैं क्या बात करूँ कि इसका बॉडी ऑर्डर ही मेनटेन नहीं है ठीक है बॉडी ऑर्डर पता ना कि आपके अंदर से बदबून आए आप हाइजीन हो तो बॉडी ऑर्डर अच्छा बॉडी ऑर्डर उसको कहते हैं कि आपके अंदर से बदबू ना आए आप मेंटेन हो अगर किसी के आम पिट में कोई पसीना आ रहा होता तो वहां पर कोई कपड़ा इस तरीके से रख ले कि वो नजर ना आए ठीक है तो आपका बॉडी ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए हाँ आपका जो है जो एक अपने तौर पर अगर आपने कोई चीज करना है यानी अच्छा लगने के लिए आप कोई भी चीज कर सकते हैं फेशियल कर लो जो भी करना है आपने करके चले जाओ मेन ये चीज़ है कि उनके सामने जिनके साथ जिनके पास आप जा रहे हैं उनको आपसे कराहियत नहीं आनी चाहिए अच्छे जितने मर्जी बन के चले जाओ बुरे बन के नहीं जाना अच्छे जितने हो सकता है उतने बन के चले जाओ बुरे बन के नहीं जाइएगा वरना वो कोई भी बैड इंप्रेशन आपसे ले सकता है सो दिस इज इट एनीथिंग एल्स और किसी का सवाल कोई लिख दे चलें थैंक यू वैसे ही दो मिनट में मीटिंग खत्म होने वाली है टाटा बाय बाय